बाजार में एक बार फिर प्याज आंसू निकाल रहा है। प्याज के अलावा टमाटर और अन्य कुछ सब्जियां भी सस्ती होने का नाम नहीं ले रही हैं। सब्जियों का सीजन भले ही आ गया हो, लेकिन सब्जियां फिर भी सस्ते होने का नाम नहीं ले रही। प्याज तो लोगों को लगातार रुला रहा है। इस अक्टूबर और नवंबर के महीने में प्याज ने लोगों के खूब आंसू निकाले। दूसरी तरफ टमाटर का भाव भी कभी 40 हो रहा है तो कभी 60 रुपए तक पहुंच रहा है। हल्द्वानी आलू भी 30 रुपए के ऊपर ही बिक रहा है, जबकि नया आलू अभी 25 रुपए किलो बिक रहा है। मंडी में प्याज और अन्य सब्जियां खरीदने आई कुछ महिलाओं से जब प्याज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने देखिए क्या कहा। सब्जी लेने आए थे, आलू टमाटर और प्याज तो मेन है ही है, धनिया मिर्ची ये सब हो गया मेन। प्याज 80 रुपए किलो है, कॉस्टली लगी है बहुत ज्यादा। नहीं, हमने नहीं लिया। प्याज के रेट बहुत हाई लग रहे हैं। क्या सोच के आए थे, प्याज कितनी लेनी है? कम से कम आधा किलो और क्या लिया? नहीं, आलू प्याज, आलू प्याज तो हमने लिया ही नहीं है, टमाटर लिए, आलू लिए। बस यही, प्याज के भाव बहुत महंगे हो रहे हैं। क्या लें, क्या खरीदें, क्या मतलब बनाएं? बच्चों को ज़्यादातर प्याज ही अधिकतर पसंद है, बस प्याज ही नहीं ले पाए हम। प्याज ही ले तो ले, कितनी, कम से कम आधा किलो तो लें, 250 ग्राम लें, 250 ग्राम की भी उम्मीद नहीं कर रहे हम तो। नहीं, टमाटर भी 40-50 है टमाटर, वो भी 1 किलो लेते थे वो भी आधा किलो, 250 ग्राम ही ले पा रहे हैं। क्या बच्चों को क्या दें किचन में? सीजन में जो सब्जियां सस्ती, नहीं नहीं वो सब महंगी है सब्जियां, सब महंगी। हाँ जी। दूसरी तरफ हरी मटर भी बाजार में आ चुकी है। फुटकर में मटर का भाव 80 रुपए किलो है तो वहीं गाजर 40 रुपए किलो, जबकि अन्य सब्जियां 30 रुपए किलो बिक रही हैं। इन सब्जियों में सबसे सस्ता बैंगन है, बैंगन 10 रुपए किलो बिक रहा है। इसके अलावा अन्य प्रकार की सभी सब्जियां 30 और 40 रुपए किलो से नीचे नहीं है। गृहिणियों का कहना है कि महंगाई से रसोई का बजट बिगड़ गया है। सी न्यूज़ के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।